मौला रे कैसा इम्तिहान है। आपके लिए एक सरप्राइज है, लेकिन शायद उसे देखकर आपको खुशी ना हो। क्या मतलब है? एक मुकदमा तो आप जीत चुके हैं, आइए। तुम सब ये अहमद साहब, शायद आपको याद ना हो, आज हामिद की हेयरिंग थी और आज इनकी बेल हो गई है। हामिद, मुझे खुशी हुई तुम्हें याद देख के। अगर मुझे खुशी तो तभी होगी जब तुम मुझे माफ कर दोगे। तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? मैं तुमसे माफी इसलिए मांगना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे मुंह से ना हो। मैंने तो अपनी लालच की खातिर सभा की अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, उनसे उनके जीने का हक तक छीन लिया। अगर तुमने उन्हें जीना सिखा दिया, नई जिंदगी दी, मेरे गुनाहों को तुमने अपनी पाकीज़गी की चादर में लपेट लिया। देखो हामिद, माजी को दोहराने का कोई फायदा नहीं। तुमने जो गुनाह किए थे वो तुम्हारी बेटियों की ये सजा बन गई। जर खान ने जारा को तलाक दे दी और जीनिया के साथ जो कुछ हुआ अश्वों में बयान कर सकता, मगर जीनिया और जारा ने सजा मुझे दी। मैं उन्हें बाप का तहफुज देना चाहता हूं, मगर वो मुझे तुम्हारा मुजरिम समझती, खास तौर पर जीनू। क्या? मगर फिर तुमने मेरे लिए वकील क्यों किया? मेरी जमानत क्यों करवाई? जीनू की खातिर। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है आबद। मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, सिर्फ एक। मैं सभा से, जारा से, जीनू से माफी मांगना चाहता हूं अहमद, सिर्फ एक मौका दे दो। हामिद, मैं जानता हूं सभा तुम्हारी बीवी है, मैं तुम्हारा जर्फ नहीं आजमाना चाहता, अपनी आकबत संभालना चाहता। मैं तुमसे मदद मांग रहा हूं अहमद, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। मुझे कोई इतराज नहीं हामिद, मेरा और सभा का रिश्ता वो ताल्लुक नहीं जिसमें जर्फ, अना और भरण जैसे जज्बे शामिल। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। मैं तुम्हें सभा से जरूर मिलवाऊंगा, मगर सबसे पहले तुम जीनू से मिलोगे। थैंक यू। जी आ जाइए। भाभी साहिबा, आपका मामा बहुत गुस्से में क्या है? क्या कह रहे? वो क्या कहेंगी, मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया, जब तक जीनू और मूसा खान की शादी नहीं हो जाती मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। अच्छा, तो भाभी साहिबा वो तो फिर बहुत नाराज हुई होंगी आपसे। हाँ मूसा खान, मुझ पे अपने घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करके गई हैं।
ये आप क्या कह रही हैं भाभी साहब? क्या बताऊं तुम्हें मूसा खान, धमकी देके गई हैं कि अगर मैंने जीनू की तलाक करा दी तो मुझे बेटी मानने से पे इनकार कर देंगी, फिर मैं कहां जाऊंगी मूसा खान? कहां जाएगा भाभी साहबा? हम आपके नाम वो घर कर रहे हैं ना, हमने वकील को फोन कर दिया है, उसने जज साहब से भी टाइम ले लिया, बस आप जल्दी तैयार हो जाओ। अच्छा सुनो मूसा खान, मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलो भाभी साहब, हम आपका हर बात मानेगा। आप भी तो हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। मुझे ना उस घर में नहीं रहना जहां से मेरी इतनी तल्ख यादें वापस ना। तुम ऐसा करो, मुझे ये घर दे दो, मेरे नाम पे ये घर कर दो। ये घर? हाँ ये घर। इस घर से मेरी बचपन की यादें वापस ना है ना। चलो तो ठीक है ना, आप क्यों परेशान होता, हम इस घर की फाइल निकाल लेते। एक रिक्वेस्ट और है, तुम्हारे पास एक फ्लैट है ना, वो तुम ताहिरा आंटी के नाम कर दो। देखो ना उन्होंने हमारा कितना साथ दिया है। अब जीनू आ जाएगी ना शादी करके, तो फिर वो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, फौरन धक्के देके घर से निकालेगी, फिर वो बेचारी कहाँ जाएंगी। ये बात तो ठीक कह रहा भाभी साहब। चलो जीनू के सर का सदका दिया ये फ्लैट भी उसको। हम बोलते हैं जंगल को इनको कि वो भी खुश हो जाए। हर दिल तैयार हो जाओ, हम आपका वेट करते हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। बबली, बबली, बबली घर पे नहीं है। कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं बना देती हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। आप? तुम भी कहती हो कि कितना ढीठ बाप है, फिर आ गया। बार बार मेरी वल्दियत मत बदला करें। मेरी माँ को बहकाकर उनसे शादी करके आप मेरे बाप नहीं बन सकते। जीनिया, तमीज से बात करो। तुम मानो या नहीं, लेकिन अहमर तुम्हारे बाप हैं। मेरे बाप का नाम अहमर नहीं, हामिद है। बहुत प्यार है ना तुम्हें हामिद से? जी, क्योंकि वो मेरे बाप है। हामिद तुम दोनों बहनों और सबा का मुजरिम। मुजरिम तो ये है, पापा जैसे भी वो मेरे बाप है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे। डाका तो इन्होंने डाला है हमारे घर पर, सारे रिश्ते तोड़ दिए, बिखेर दिया हमारा आशियाना। पापा को भी इन्होंने ही जेल में करवाया था, और मुझे आसरा देते रहे कि उनकी जमानत करवा रहा हूँ। धोखा देते रहे मुझे आप। मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया बेटा। अरे मेरी बात सुनो। हाँ हाँ जाइए, क्योंकि अपने दिल की बात तो ये सिर्फ आप ही से कहेंगे। हामिद तुम जाओ। हामिद तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ। सिद्धू पापा, पापा, सिनो, कुछ बोलो ना मेरी बेटी,
समझ में ही नहीं आ रहा पापा, क्या कहूँ आपसे, शिकवा करूँ या शिकायत? जूता उतार के मेरे सर पे मारो। नहीं पापा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसी के तो काबिल हूँ मेरी बेटी, मैं बाप नहीं वैश्य दरिंदा हूँ, हमेशा अपनी बेटियों की खुशियों का खून पीता रहा। देखे ना पापा, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं सारा हमारा घर सब कुछ बर्बाद हो गया। इसका भी जिम्मेदार मैं ही हूँ, तुम्हारा भी मुजरिम हूँ और तुम्हारी माँ का भी, मगर अहमद ने बहुत बड़ी मेहरबानी की मुझ पर, मेरी जमानत कराई, पानी की तरह पैसा बहाया। आपकी जमानत हुई है पापा, वो लोग आपको फिर से गिरफ्तार कर लेंगे, आप चले जाएं इस मुल्क से, भाग जाएं, कम से कम आप सलामत तो रहेंगे ना। जमानत पे रिहा कैदी मुल्क से कैसे भाग सकता है, ये नामुमकिन है मेरे बेटा, कानून इसकी इजाजत नहीं देगा। ये कानून तो आपको फिर गिरफ्तार कर लेगा ना, मेरे पापा को मुझसे दूर ले जाएगा। अपने किए की सजा काटनी है मुझे बेटा, यही मेरे लिए बहुत है कि मैं तुमसे, जारा से और सबा से माफी मांग सकूं, और सबसे बढ़कर अहमद से माफी मांग सकूं। पापा। बेटा बेटा, अहमद वाकई बहुत ही अजीम इंसान है, मैंने जो भी जुल्म ढाए अहमद उनके सामने ढाल बन गया। हालत बना ली आपने अपनी, आप बैठे मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ, और आपने तो कुछ खाया भी नहीं होगा ना। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें देखकर मेरी भूख खत्म हो गई। नहीं पापा, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, आप यहाँ बैठे मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ, बैठो, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं पानी लेके आ रही हूँ। तुम्हें लगता है अल्लाह ने अपने बंदों पर एहसान करने के लिए भेजा है जमीन पर? यही जिंदगी है मरियम, और इसके अलावा जिंदगी में रखा क्या है? मगर हामिद जैसे शख्स की जमानत करवा कर तुमने कोई अकलबंदी का सबूत नहीं दिया। मैं अगर हामिद की जमानत ना करवाता तो शायद हामिद को शर्मिंदा होने और अपने गुनाहों से तौबा करने का मौका ना मिलता। एक बात पूछूं, हामिद को सबसे पहले सबा से माफी मांगनी चाहिए, क्या तुम उसे ये मौका दोगे? क्यों नहीं दूंगा, जब एक इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो फिर उस पर तौबा के दरवाजे बंद करने वाला मैं कौन होता हूँ? लेकिन सबा अब तुम्हारी बीवी है और हामिद उसका साबका शौहर, क्या तुम ये गवारा कर लोगे? ये सवाल हामिद ने भी मुझसे किया था, मगर जब अल्लाह की जात उसे ये मौका देना चाह रही है तो फिर मैं क्यों दीवार बनूं? तुम बहुत अजीम हो अहमर, मोहब्बत करना और फिर उसे निभाना तो कोई तुमसे सीखे। ये तुम कह रही हो? हाँ मैं, क्योंकि तुमने तो मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं, तो फिर तुमसे शिकवा क्यों करूं? चलो आओ अंदर बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। चाय बाप बेटी को खुलकर मिलेंगे, फिर उसके बाद चाय भी पियेंगे और खाना भी खाएंगे। ओके क्या हालत हो गई आपकी? कह बेटा, कैदियों की बस ऐसी ही हालत होती है। आपने ये सब कुछ क्यों किया पापा? अपनी हवस, लालच और खुदगर्जी के हाथों मजबूर होकर। लेकिन बेटा, अहमद को बुरा मत समझना, वो तो बहुत अच्छा बाप साबित हुआ। बस मेरी वजह से जारा। जी पापा, जारा के साथ बहुत बुरा हुआ।
जानता हूं बेटा, लेकिन उसका मुजरिम भी मैं ही हूं और मैं जारा से जरूर मिलूंगा। फिर कहां जाएंगे आप? क्या मालूम, मैं तो खुद भी नहीं जानता। आप यहां रह जाए ना मेरे पास प्लीज। ये तुम्हारा ससुराल है बेटा, ये बताओ तुम खुश तो हो ना, अपनी माँ से तो मिलती हो। सारे जहां की खुशियां आज आपको देखकर मिल रही है, तो फिर मैं किसी और से मिलकर क्या करूंगी? इसका मतलब है तुम सबा से नहीं मिलती। तुम तो हमेशा से ऐसी थी, मेरे पीछे भागने वाली। पापा पापा करते हुए हर वक्त मेरे पीछे भागती थी और मैं हर वक्त में छिड़क देता था। कितना बुरा हूं मैं? नहीं पापा, ऐसी बातें मत करें, आप बहुत अच्छे। देखो जिनू, मैंने तुम्हारी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, उसे हमेशा अपनी पांव की जूती समझा और वो दीवानी हमेशा सर से पांव तक मुझ पर अपनी वफा चढ़ाती रही और मैं उसी के किरदार पर शक करता रहा। मैं हमेशा उस पर जुल्म करता रहा, लेकिन अहमद तो उसके सबर का इनाम है जो उसे मिला है। पापा, ठीक ही तो कह रहा हूं मैं, अगर मैं अपने जुल्मों का एतराफ करने लगा ना तो शायद पूरी किताब भर जाएगी। 20 साल सुलू किया है मैंने, 20 साल तुम पर, तुम्हारी बहन पर, तुम्हारी मां पर। पापा, अगर अहमर ना होता ना तो सभा को सहारा नहीं मिलता, तुम दोनों का ख्याल कौन करता? शायद मेरी वजह से तुम दोनों, तुम्हारी मां बदनामी के किसी कोने में अब तक गिर चुके होते। अहमर की कदर करो सीनो, वो वाकई बहुत अच्छे हैं। पापा, Thank you.